शशि भूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, जैसा कि संजय जी की ओर से भी जिक्र किया गया है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूं कि कैसे अब आरक्षण की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी आज के इन आंकड़ों के जरिए। मौजूदा वक्त में अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूं तो ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 27 से 30 फीसदी के रिजर्वेशन का प्रावधान है। इनमें 16 से 18 फीसदी ईबीसी को और तकरीबन 12 फीसदी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, जबकि जातिगत गणना के मुताबिक इनकी संख्या बढ़कर 63 फीसदी हो गई। तो क्या इसके जरिए अब आरक्षण की एक अलग तरह की पॉलिटिक्स यहां पर जन्म लेगी शशि भूषण? और आम लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उन लोगों की ओर से इन आंकड़ों को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, जातीय जनगणना का फैसला भले ही नीतीश सरकार ने बीते साल लिया हो, लेकिन ये बात तय है कि लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे से ये कहते रहे हैं कि ये मंडल पार्ट टू है हमारे लिए, ये मंडल की लड़ाई है। जिस मंडल के जरिए आरक्षण की लड़ाई उन्होंने लड़ी और बिहार ही नहीं देश भर में आरक्षण का जो मॉडल डेवलप हुआ, उसके बाद अब मंडल पार्ट टू की तरफ वो जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव हमेशा ये कहते रहे हैं कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो आप कह रही हैं चित्रा, वो चीजें अब बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी उसकी चर्चा होगी। और नीतीश कुमार जो लंबे अरसे से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिनकी यूएसपी कभी हुआ करती थी कि वो विकास की बात करते थे, सुशासन की बात करते थे, उनकी राजनीति के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा था कि अगर बिहार की राजनीति या केंद्र की राजनीति में ही उनको अपने वजूद को बचाए रखना है और आगे बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में कोई मास्टर कार्ड उनके पास होना चाहिए। और शायद यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव जो एक दौर में जब मांग करते थे जातीय जनगणना की, तब नीतीश कुमार उस पर खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसी लाइन पे आए और आज देखिए बिहार ने जातीय जनगणना, जिसको बिहार सरकार जाति आधारित गणना कह रही है, वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बताती है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स किस तरह से होनी है, ना केवल बिहार में बल्कि देश के पैमाने पर। जेडीयू ये कह चुका है कि नीतीश कुमार ने जो मॉडल बिहार में डेवलप किया कास्ट सेंसस के जरिए, वो मॉडल अब देश में लागू हो, इसके लिए नीतीश कुमार अब देश भर में घूमेंगे। तो ये अपने आप में संकेत है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को किस तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच फिलहाल एक चीज बड़ी सामान्य दिखती है कि दोनों इस मामले पर कहीं खुद अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हां यह जरूर है कि बिहार के अंदर जो मंडल पार्ट टू की बात लालू यादव कहते रहे हैं, वो चीजें अब यहां से ज्यादा सीमेंटिंग वे में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। संजय कुमार जी से मैं भी समझूंगी, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पिछड़ा वर्ग से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो अलग तरह की पॉलिटिक्स बिहार के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, किसके लिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ेंगी और अलग अलग तरह की स्थिति अब कैसे जन्म लेने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, एक बार फिर से सुनते हैं। नेताओं की भीड़ में अलग, माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। तो देश में हमने नजीर कायम किया तो दिल्ली की वह हुकूमत जो उन धर्मांधता फैलाती है, लोगों को जो जीवन का अधिकार है, जो आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर अपरोक्ष रूप से हमला कर रहा है, तो बिहार मॉडल को देश अपनाए। समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देके इसको पास कराया था। आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं, इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया, और उसके बाद जरूर अपना बयान दे। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नहीं जारी किया गया, जिसमें करना ही चाहिए। जब आपने जातीय जनगणना किया तो यह तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना चाहिए।